Daughter in law of Bahujan Samaj Party Rajya Sabha MP Narendra Kashyap was found dead with a bullet injury to her head at her Ghaziabad residence on Wednesday morning. Now, in the latest development, an FIR has been filed under Section 304B against the BSP MP, his wife, Himanshi's husband, brother in law, and sister in law under the Dowry Act, amounting to murder. FIR दर्ज की गई है कवीनगर पुलिस स्टेशन में, जो तहरीर विक्टिम के पेरेंट्स ने, पिता ने दी थी, उस आधार पर अभी रात में ही डीएम सर से ऑर्डर करा करके पोस्टमार्टम एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है अंडर वीडियोग्राफी, और उसमें अभी तो जस्ट FIR रजिस्टर की गई है, उसके आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें 498A, 304B डाउरी डेथ और 3/4 डाउरी के जो सेक्शन है, इसके अलावा इसमें 6 एक्यूज्ड उन्होंने किए हैं, जो कि पूरे उनके फैमिली मेंबर्स हैं। मारते थे, पीटते थे, खाने की दालें तक घर से मंगाई है इन्होंने। पहले घर से दाल लिया, तुम्हारे इधर दाल देसी दालें बनती है, इन्होंने घर से दालें तक मंगाई है, मैं क्या करूं? सर, आपके बेटे ने कभी कहा था कि किसने मारा? अभी 25 तारीख सास ने, उसकी सास इतना परेशान करती थी, वो हम मैं चाचा हूँ उसका, मुझसे रोती थी, मैंने पाला है उसको, इन्होंने नहीं पाला है, मैंने पाला है। 25 तारीख को आई थी घर पे, दामाद तो बेटा दोनों, एक आदमी बात तो कह रही थी गाड़ी पापा दे दो, जब परेशान कर दामाद को, मैंने समझाया, मैंने बेटा रुक जा, 25 तारीख को मैं गाड़ी दे दूंगा, मम्मी जी से कह देना। बोले मम्मी को तो दिमाग ऐसे ही है, मैं दिमाग ऐसा क्या है जब हर समय परेशान करती है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, 24 घंटे उसको परेशान, 24 घंटे 15 दिन पहले मारा, अभी 4 दिन पहले फिर मारा, जब बधाई से आई 26 तारीख को, जो लोग आए हैं 26 को, इन्होंने रात को फिर मारा, कोई चोट वोट के निशान दिखे? चाट यहाँ कल आया था मैं, यहाँ काला था, हल्का सा कल यहाँ था मैं, ये कैसे लगी? बोले ऐसी लग गई। मैंने कि ना बेटा कुछ हुआ है तो छोटे, मुझसे तो उसने नहीं की, छोटा वाला बेटा भी था मेरे, तो उसे बताएगी, अरे वो डॉक्टर साहब ने ऐसी हाथ मार दिया, टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, गाय थी बिल्कुल, थ्रू आउट एम ए फर्स्ट क्लास वो थी, अभी बीएड में टॉपर हुई है वो, इतनी मेहनत लड़की, बच्ची कई तरह का भोजन खाना बनाना जानती थी, इन लोगों ने गाय की हत्या कर दी, अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फॉर्चुनर की डिमांड हमें करनी होती, 2.25 साल शादी गुजर गए, हीरालाल जी अभी गाजियाबाद से गुजर रहे हैं, यहीं पर हैं, अभी उनसे पूछकर देखिए कि शादी में हमने उनसे क्या लिया, शादी में हमने ये कहा उनसे कि ये शादी बिना दहेज के होगी, क्योंकि मैंने भी अपनी शादी, जब मैं उस समय एडवोकेट था, मैंने अपनी शादी बिना दहेज की थी, मेरी इच्छा थी कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।